Do subscribe and press the bell icon on the YouTube app to get all the regular updates of Gaadiwaadi.com. हेलो एंड वेलकम टू Gaadiwaadi.com. दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट गौरव यादव और मैं आपका स्वागत करता हूं Gaadiwaadi.com यूट्यूब चैनल के ऊपर. दोस्तों मारुति सुजुकी ने ऑल न्यू वैगनर को भारत में आज लॉन्च कर दिया है और कीमत रखी गई है इस गाड़ी की 4,19,000 रुपीज़ से लेकर 5,69,000 रुपीज़ तक. और अब इस गाड़ी के अंदर दो पेट्रोल वेरियंट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, 1 लीटर एंड 1.2 लीटर. और ये वही इंजन है जो स्विफ्ट के अंदर भी आता है, 1.2 लीटर इंजन. उसके अलावा इसको हार्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया गया है, जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मारुति सुजुकी स्विफ्ट, बलिनो, इग्निस एंड न्यू अर्टिगा को भी बनाया गया है. तो दोस्तों काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स के साथ में इसको भारत में लॉन्च किया गया है. डिज़ाइन पूरी तरह बदल दिया गया है. फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो ऑल न्यू इसके अंदर हेडलाइट्स मिली हैं, ड्यूल सेटअप जैसी दिखाई देती है, बट ये सिंगल यूनिट है. उसके अलावा बम्पर का डिज़ाइन भी पूरा चेंज कर दिया गया है और जो फ्रंट ग्रिल है उसका डिज़ाइन भी चेंज किया गया है. जो इंजन कंपार्टमेंट है ये पहले के मुकाबले थोड़ा सा छोटा किया गया है और इसका जो केबिन स्पेस है उसको बढ़ाया गया है. विड्थ, हाइट और जो लेंथ है गाड़ी की वो बढ़ाई गई है. लंबाई लगभग इसकी 19 mm से बढ़ाई गई है, विड्थ लगभग 145 mm से बढ़ाई गई है और हाइट में भी 5 mm का इजाफा किया गया है. हालांकि इसके अंदर आपको अब रूफ रेल्स नहीं मिलेंगे किसी भी वेरिएंट के अंदर. और वहीं अगर हम बात करें टायर साइज़ की तो VXI और जो ZXI वेरिएंट है उसके अंदर आपको 14 इंच के टायर्स मिलेंगे, LXI वेरिएंट के अंदर आपको 13 इंच के टायर्स मिलेंगे. इंटीरियर में भी काफ़ी सारे नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जैसे कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो इक्विप, स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है. उसके अलावा स्टीयरिंग के ऊपर ऑडियो कंट्रोल्स आपको मिलने वाले हैं. रिवर्स पार्किंग सेंसर्स को स्टैंडर्ड रखा गया है इस गाड़ी के अंदर. बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ा कर दिया गया है, 343 लीटर्स का इसके अंदर आपको बूट स्पेस मिलेगा अब पहले के कंपैरिजन में. टेल लाइट्स का डिज़ाइन है उसको बदला गया है और काफ़ी बड़ी टेल लाइट्स लगाई गई हैं इस गाड़ी के अंदर. और पीछे से देखते ही आपको दिखाई दे जाएगा कि इसकी विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, 145 mm से इसकी विड्थ बढ़ाई गई है दोस्तों. वहीं 6 कलर्स के अंदर इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है और दो वेरियंट्स हैं, 1 लीटर एंड 1.2 लीटर. जो 1 लीटर का इंजन ऑप्शन है उसके अंदर आपको LXI एंड VXI दो वेरिएंट्स मिलेंगे और वहीं जो 1.2 लीटर का इंजन ऑप्शन है उसके अंदर आपको VXI एंड ZXI दो वेरिएंट्स मिलेंगे. AMT ट्रांसमिशन आपको 1 लीटर और 1.2 लीटर दोनों इंजन ऑप्शंस के अंदर मिलने वाली है, 1 लीटर के VXI वेरिएंट के अंदर एंड 1.2 लीटर के VXI एंड ZXI दोनों वेरिएंट्स के अंदर आपको AMT ट्रांसमिशन मिलेगा. वहीं बात करें फीचर्स की क्या क्या मिला है, तो जो इसका LXI वेरिएंट है उसके अंदर आपको फ्रंट पावर विंडो मिलने वाली है. उसके अलावा 13 इंच के उसके अंदर व्हील होंगे जो सिल्वर कलर के होंगे. उसके अलावा जो साइड टर्न इंडिकेटर्स है उसको फेंडर के ऊपर लगाया गया है LXI वेरिएंट के अंदर. LXI वेरिएंट के अंदर भी आपको ABS स्टैंडर्ड मिलेगा. को ड्राइवर साइड का एयरबैग है वो स्टैंडर्ड मिलने वाला है और को ड्राइवर साइड का जो एयरबैग है उसको आप एज एन ऑप्शन खरीद सकते हैं. रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिलने वाले हैं इसके LXI वेरिएंट के अंदर. बात करें VXI वेरिएंट में क्या कुछ अलग मिला है, तो VXI वेरिएंट के अंदर आपको मिलने वाला है इसके अंदर म्यूजिक सिस्टम जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी गई है. और जो 1.2 लीटर का जो VXI वर्जन है उसके अंदर आपको स्टीयरिंग के ऊपर ऑडियो कंट्रोल्स भी मिलने वाले हैं दोस्तों. और वहीं बात करें फीचर्स में तो रियर पावर विंडो आपको मिलेगी VXI के अंदर. जो डे नाइट एडजस्टमेंट वाला IRV में आपको मिलेगा इसके VXI वेरिएंट के अंदर. उसके अलावा 60-40 की स्प्लिट सीट आपको मिलने वाली है VXI वेरिएंट के अंदर भी. और बात करें ZXI वेरिएंट के अंदर क्या कुछ अलग मिलेगा, तो फ्रंट में आपको फॉग लाइट्स मिलेंगी और जो साइड टर्न इंडिकेटर है उसको मिरर के ऊपर लगाया गया है. उसके अलावा डिजिटल टैकोमीटर आपको मिलने वाला है, स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिलने वाला है जिसके अंदर एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो होगा, स्टेयरिंग के ऊपर ऑडियो कंट्रोल्स होने वाले हैं. पार्किंग सेंसर्स को स्टैंडर्ड रखा गया है और जो गाड़ी के इंटीरियर का जो कलर कम्बिनेशन है वो ब्लैक एंड बेज रखा गया है, तो ये आपको स्टैंडर्ड मिलने वाला है तीनों ही वेरिएंट्स के अंदर. दोस्तों कीमत 4.19 लाख से स्टार्ट होकर 5.69 लाख तक जाती है. काफ़ी अच्छी कीमत में न्यू वैगनर को इंट्रोड्यूस किया गया है, पहले से काफ़ी बड़ी दिखाई देती है. हालांकि आपको फोटोज़ में या वीडियोज़ में देख के पता ना लगे, बट अगर आप इसको इन पर्सन देखेंगे रियलिटी में तो काफ़ी वाइडर है पहले के मुकाबले, काफ़ी बड़ी है. एक मिनी MPV वाली इसके अंदर आपको एक फील आने वाली है. स्पेस काफ़ी ज़्यादा दे दिया गया है, हेडरूम काफ़ी अच्छा है क्योंकि टोलवे डिज़ाइन है गाड़ी का. और जो विड्थ बढ़ाई है उसकी मदद से इसका जो शोल्डर रूम है वो भी काफ़ी अच्छा किया गया है. 3 पैसेंजर्स पीछे वाली सीट पे आराम से बैठ पाएंगे और फ्रंट पैसेंजर्स को भी काफ़ी बड़ा एक शोल्डर रूम मिलने वाला है, काफ़ी स्पेसियस केबिन मिलने वाला है. 1.2 लीटर का जो इंजन ऑप्शन है स्विफ्ट के अंदर आता है, वो वन ऑफ द स्मूदेस्ट पेट्रोल इंजन है भारत के अंदर, किसी भी गाड़ी के अंदर बेचा जाता है. उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है वैगनर के अंदर. और जो AMT ट्रांसमिशन है बाकी सेगमेंट की जो गाड़ी है उससे काफ़ी इम्प्रूव है. और दोस्तों बुकिंग चालू हो चुकी है, लगभग 12,000 गाड़ियों की बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी है कंपनी के पास में, तो उसका एक अनुमान लगाया जा सकता है उससे कि काफ़ी लंबी वेटिंग आने वाली है वैगनर के ऊपर. कुछ ही गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरी हाइट के हिसाब से काफ़ी अच्छा एक हेडरूम ऑफर करती है. मेरी हाइट कुछ 6 फुट 1 इंच के आसपास है और टोलवे जो डिजाइन की गाड़ियाँ आती हैं वो काफ़ी अच्छा एक हेडरूम ऑफर करती हैं, चाहे वो मारुति सुजुकी रिट्स की हम बात करें, सेंट्रो भी टोलवे डिज़ाइन में आती है, उसके अलावा डैटसन की रेडिगो है वो टोलवे डिज़ाइन के अंदर आती है,
इग्निस थोड़ी सी बेटर है बाकी जो हैचबैक है उनके मुकाबले, टोलबॉय तो नहीं है बट अगर आप वैगनार को कंपेयर करेंगे तो ये सबसे अच्छा हेडरूम ऑफर करती है अपने सेगमेंट के अंदर। दोस्तों इंटीरियर में क्या कुछ अलग मिला है इस गाड़ी को, तो इसके हेडरेस्ट फिक्स कर दिए गए हैं, काफ़ी कंफर्टेबल सीट है मेरी हाइट के हिसाब से, सीटिंग पोजीशन वो भी काफ़ी अच्छा है, जो व्यू है बाहर का चारों तरफ का मिरर्स काफ़ी बड़े हैं, उसके अलावा फ्रंट व्यू काफ़ी अच्छा है और सिटी में अगर आप इसको चलाएंगे तो काफ़ी कंफर्टेबल फील करने वाले हैं। अगर आप इंटीरियर में देखेंगे तो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा है, जो स्टीरियो का जो सेंटर कंसोल है उसको थोड़ा सा बाहर किया गया है, थोड़ा सा एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है और ब्लैक एंड बेज के साथ में जो एसी वेंट है उनको सिल्वर कलर का रखा गया है, उनका डिज़ाइन भी थोड़ा सा अलग किया गया है तो इसको भी प्रीमियम बना दिया है मारुति सुजुकी ने। काफ़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ लॉन्च की हैं हाल ही में, सियाज फेसलिफ्ट को लॉन्च किया गया है, अर्टिगा को बिल्कुल नए अवतार में लॉन्च किया गया है और अर्टिगा के बाद वैगनार को नए अवतार के अंदर लॉन्च किया है दोस्तों। तो मेरे हिसाब से काफ़ी एक अच्छा पैकेज बनाया है मारुति सुजुकी ने और कीमत में कोई खास फ़र्क नहीं रखा है, सिर्फ 5000 रुपीज़ बढ़ाए गए हैं इसके बेस वेरिएंट के अंदर और टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट अब आपको ZX वेरिएंट के अंदर भी मिलेगा, जिसके अंदर आपको टच स्क्रीन म्यूजिक सिस्टम, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो मिलने वाला है, स्टीयरिंग के ऊपर ऑडियो कंट्रोल्स मिलने वाले हैं, ऑल फोर पावर विंडो, रिमोट सेंटर लॉकिंग, ABS एंड एयरबैग्स को स्टैंडर्ड रखा गया है इस गाड़ी के अंदर, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स को स्टैंडर्ड रखा गया है। तो दोस्तों ओवरऑल काफ़ी अच्छा पैकेज है और दोस्तों इस गाड़ी का फर्स्ट ड्राइव भी आप देख पाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर 1st February को और मुझे उम्मीद है कि आपकी वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपका कोई भी सवाल है वैगनार के प्रति तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और इसी के साथ आपका होस्ट गौरव यादव इस वीडियो में आपसे विदा लेता है, मिलता है एक और वीडियो के साथ बहुत जल्द, धन्यवाद दोस्तों।